रीता मैडम की बात बता रहे हैं। कल इनसे मुलाकात हुई, कल एक दिन पहले पहुंच गए, मैडम से बातचीत हो रही थी। उनका डेडिकेशन को देखा, आप लोगों के बारे में पता चला तो सच में मैं बहुत प्रभावित हो गया। इसलिए नहीं प्रभावित हो गया कि ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, अच्छे इंस्टीट्यूट और भी हो सकते हैं, बहुत है देश में, हो सके पुणे में भी हो, लेकिन अच्छा इसलिए लगा कि एक आदमी पूरा डेडिकेट कर देता है लाइफ बच्चों के लिए, उसके बारे में सोचता है। एक घंटे के मीटिंग में इन्होंने न जाने कितनी बार बोला कि हमारे बच्चों का भला हो, उनका कुछ अच्छा हो। ये बातें हमारे दिल को छू गई और देखा कि भाई इन्होंने इस बात को एडॉप्ट किया कि बच्चों का भला हो। इसलिए नहीं कि इनके कॉलेज में आपके यहां आए हुए तो पढ़ाई कर रहे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात हमने देखी, ब्रेन पर ही बोल रहे हैं, दूसरी बात हमने देखी कि इनका दिमाग पूरा शार्प है, काम करता है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाती है खुद अकेले, लोग सहायता करते हैं, इनकी टीम है, लेकिन फाइनल डिसीजन इनका है। आज के तारीख में तो थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब इन्होंने 30 साल पहले शुरू किया था क्या महिलाओं की स्थिति थी बच्चों, शायद आपको भी पता नहीं। और महिला होके किसी के बिना सहारे के अपने चलाते चलाते एक दो स्टाफ से शुरू करके आज इस मकाम पर है कि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, ये अपने आप में जितनी भी आप ताली बजाइए वो कम पा रहा है।